हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार राठौर और आप देख रहे हैं एक यार गुरुजी चैनल। दोस्तों, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में अगर हमें विंडो इंस्टॉल करनी है तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें या तो सीडी डीवीडी या फिर पेन ड्राइव की जरूरत होती है। दोनों ही केस में हमें सीडी या डीवीडी हो या फिर पेन ड्राइव हो, इन्हें हमें बूटेबल बनाना होता है, तभी हम बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, किस सॉफ्टवेयर से हमें बूटेबल बनाना है और बूटेबल बनाने के लिए हमें विंडोज की कौन सी फाइल रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बन रही इस वीडियो में लास्ट तक, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। सब्सक्राइब कीजिए AKR गुरुजी चैनल को, मोबाइल कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए। तो दोस्तों, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ISO फाइल की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम गूगल पर टाइप करेंगे विंडो 10 ISO डाउनलोड। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है डाउनलोड टूल्स नाउ। इस पर हमें एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फाइल नीचे डाउनलोड होकर आती है, इस डाउनलोड को एक बार क्लिक करके ओपन करना है और इस पर यस करना है। यस करने के बाद में इसमें जो है ऑप्शन खुलेगा विंडोज इंस्टॉल होने का। तो देखते हैं थोड़ा प्रोसेस। ओके, प्रोसेस चालू हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए प्रोसेस चल रहा है, गेटिंग अ फ्यू थिंग रेडी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपग्रेड दिस पीसी नाउ। अगर आपने अपने पीसी में विंडो 10 पहले से इंस्टॉल किया और इसी विंडोज को आपको अपग्रेड करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ISO फाइल डाउनलोड करनी है तो हम क्रिएट सेकेंड वाला जो ऑप्शन है हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक बार हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अपने डेस्कटॉप की या लैपटॉप की जो है कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। बट अगर हमें अपने किसी दूसरे लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए विंडो इंस्टॉल ISO फाइल जो इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी है, तो हम यहाँ से इस चेक को हटा देंगे और सिंपल यहाँ से हम ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहना है, विंडो 10 ही रहना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन चुनना है कि हमें अपने कौन से सिस्टम के लिए ISO फाइल डाउनलोड करनी है, 32 बिट वाले सिस्टम के लिए या फिर 64 बिट वाले सिस्टम के लिए या फिर दोनों के लिए ही। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर 64 बिट वाले सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने 64 बिट ऑप्शन चुना और नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से डायरेक्ट USB फ्लैश ड्राइव बनाना चाहते हैं या फिर ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से चुना ISO फाइल और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें डेस्टिनेशन देनी होगी कि हमारी जो ISO फाइल आएगी वो हम कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन चुना और यहाँ से नाम दिया और सेव पर क्लिक कर दिया। सेव पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर प्रोसेस चलेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हमारी जो विंडोज ISO फाइल है लगभग 4 से 5 GB की हो सकती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए मैंने पहले से ही ISO फाइल यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है तो अभी इस प्रोसेस को मैं यहीं रोक देता हूँ। इस प्रोसेस के बाद में सिंपल हमें कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ से आगे पूरी की पूरी फाइल जो हमारी जो है डाउनलोड हो जाएगी। अगर हमारे नेट की स्पीड सही है तो जल्दी हो जाएगी और नेट की स्पीड स्लो होगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी हमारे पास ISO फाइल यहाँ पर अवेलेबल है तो इस ISO फाइल से हम आगे का प्रोसेस चलाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है पावर ISO डाउनलोड, इसे ओपन करना है हमें। डाउनलोड पावर ISO फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से हमें चुनना है कि हमारा सिस्टम कौन सा है, 64 बिट का है या 32 बिट का है। तो जो भी हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी पावर ISO फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी जो मेरा सिस्टम है फिलहाल 32 बिट विंडोज में है इंस्टॉल, तो 32 बिट पर मैंने क्लिक किया। अगर आपके सिस्टम में 64 बिट विंडो है तो आप 64 बिट विंडो पर क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर आती है, इस फाइल को हमें क्लिक करना है, इसको ओपन करना है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। यस पर क्लिक करोगे, एग्री करोगे इसको
और अपने जो भी पावर आई सो आपका सॉफ्टवेयर है उसको कहाँ पर सेव करना है। फिलहाल अभी मैं सी ड्राइव में ही सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ से इंस्टॉल किया, उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में हमें यहाँ पर एक पावर आईसो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल हमें इस पर राइट क्लिक करना होता है और इसको यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन करना होता है। यस पर क्लिक करोगे ये आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। अभी पावर आईसो हमारे पास जो ट्रायल वर्जन है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ट्रायल वर्जन में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंटिन्यू ट्रायल वर्जन, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। पेन ड्राइव कम से कम 8 GB या फिर उससे ऊपर कितनी भी जीबी की हो सकती है। तो पेन ड्राइव को हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगाना है और पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लें। पेन ड्राइव बिल्कुल खाली होनी चाहिए, उसमें कुछ भी डाटा ना हो। तो सिंपल हम एक बार पेन ड्राइव पर आकर देख लेते हैं, पेन ड्राइव में हमारा कुछ भी नहीं है, या फिर हम इसको डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं अपने पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर हमें जाना है टूल्स में, टूल्स में हम जाएंगे क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इस पर हमें एक बार क्लिक करना है। यहाँ से हम अपनी इमेज फाइल को जो हमारी आईएसओ फाइल है उसको चुनते हैं, तो हमें यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करना है। और हमारी जो आईएसओ फाइल है वो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है, तो हम डेस्कटॉप से अपनी आईएसओ फाइल को चुनेंगे। यहाँ पर हमारी विंडोज की आईएसओ फाइल से हो रही है, इसको हमें एक बार क्लिक करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारी आईएसओ फाइल जो यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, उसके बाद यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को चुनना है। पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाती है और उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आपकी जो आईएसओ फाइल है वो पेन ड्राइव में बूट हो रही है। ये प्रोसेस हो सकता है कुछ टाइम चले, कुछ टाइम में आपका हो सकता है 2-4-5 मिनट या 10 मिनट भी चल सकता है। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो पेन ड्राइव हो सक्सेसफुल बूटेबल बन जाएगी। उसके बाद अपनी पेन ड्राइव से आप किसी भी सिस्टम में अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं बूट करके सिंपल। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा चलेगा, इसलिए इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है राइट, और उसके बाद हमें सिंपल यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और पावर आईसीयू सॉफ्टवेयर को भी क्लोज कर देना है। और हम अपने कंप्यूटर में जाके देखेंगे, देखिए हमारा वो बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है विंडो 10 की, ये देखिए। ओके सिंपल अब अपनी